सो लेट गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं Realme 5 डिवाइस के अंदर आप ऐप क्लोन सेटिंग्स का यूज कैसे कर सकते हैं। ऐप क्लोन सेटिंग्स काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। आप किसी भी एप्लीकेशंस को मींस कि जो फोन्स आपका जिन एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है क्लोन करने के लिए, मींस कि डुप्लीकेट करने के लिए, आप उसे क्लोन करके आप दो एप्लीकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये व्हाट्सएप की बात करूँ तो ये एक व्हाट्सएप अगर है, इसे आप क्लोन करके दो व्हाट्सएप बना सकते हैं और दोनों को आप यूज भी कर सकते हैं। तो एक क्लोन ऐप सेटिंग्स हमें कैसे करनी होती है, अगर हम यहाँ पर लॉन्ग प्रोसेस को करें तो यहाँ पर देखेंगे तो अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, क्लोन वगैरह का नहीं आ रहा, तो हम यहाँ डिस्प्ले से क्लोन नहीं कर सकते बिकॉज हम फोन सेटिंग से क्लोन कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट हमें सेटिंग्स को ओपन करना होगा। सेटिंग्स को हमने क्लिक करा, अब सबसे पहला तो ऑप्शन हमें मिलता है यहाँ पर सेटिंग्स का। आप चाहें तो सर्च बार में टाइप कर देंगे ऐप क्लोन, तो ऐप क्लोन आपको सेटिंग्स मिल जाएगी। यहाँ पर ऐप क्लोन यहाँ पर सर्च कर देता हूँ, तो मैंने जैसे यहाँ पर ऐप क्लोन सर्च रखा तो यहाँ पर ऐप क्लोनर आ चुका है। ऐप क्लोनर को आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं या फिर अगर मैनुअल यूज करना है तो आपको नीचे आना होगा। एक सेटिंग्स हमें मिलती है ऐप मैनेजमेंट, इसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेटिंग्स आप देखेंगे तो काफी सारी सेटिंग्स आ जाती है, ऐप डिफॉल्ट्स और यहाँ पर ऐप लिस्ट, परमिशन मैनेजर, ऑटो लॉन्च, ऐप डिस्प्ले ओवर अदर एप्स, ये सारी चीजें हैं, सोशल ऐप्स एक्सेस। तो हमें एक लास्ट में एप्लीकेशन ऑप्शन मिलता है ऐप क्लोनर का, इसको जस्ट क्लिक करना। अभी आप देखेंगे तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तीन ऐसे एप्लीकेशन हमारे फोन के अंदर जो इसको क्लोन कर सकते हैं, मींस कि हमारे फोन में ये तीनों एप्लीकेशन क्लोन हो सकते हैं। कैसे करना है अभी देखो, यहाँ पर सिंपल क्लिक करना और क्रिएट ऐप क्लोन, इसको आप सर्च जस्ट आप क्लिक कर देंगे तो ये क्रिएटिंग ऐप क्लोन ये क्रिएट कर रहा है और इजिली हमारा फेसबुक जो है दो एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस कि क्रिएट करके क्लोन ऐप बन जाएगा। तो अभी ये क्रिएटिंग हो रहा है तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी फोनों में क्या होता है कि कुछ फोनों में जो प्रोसेसर उसका हाई होता है तो रिसेंट ही उसे क्लोन कर देता है, कुछ फोनों में जो कम प्रोसेसर होते हैं उसमें कम चीजें और जल्दी यूज थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसे यूज करने में, जल्दी यूज नहीं कर पाता, तो ऐसी चीजें होती हैं। तो अभी भी क्रिएटिंग क्लोन ऐप, ऐप क्लोन ऐसा सेटिंग सभी भी आ रहा है, क्रिएट कर रहा है क्लोन ऐप के लिए। हालांकि मैं इसमें एक्सेस दे देता हूं इंटरनेट का ताकि ये प्रॉपर तरीके से सब कुछ डिटेल में करके दिखाऊं आपको, तो मैं यहां पर इसको एक्सेस दूंगा इंटरनेट का, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो गाइस, जैसा कि देख सकते हैं आप यहां पर हमारा जो फेसबुक है प्रॉपरली कंप्लीट ऐप क्लोन में कन्वर्ट हो चुका है और मैं आपको इसे दिखा दूंगा होम स्क्रीन पे भी, हमारे पास दो फेसबुक हो चुके हैं क्रिएट। ऐसे ही हमें और भी एप्लीकेशंस को करना होगा तो हम यहां से बैक आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं व्हाट्सएप को अगर करना चाहूँ तो व्हाट्सएप पर क्लिक करना एक बार सिंगल, इसके बाद क्रिएट ऐप क्लोन पर अगेन क्लिक करना है और इसका भी क्रिएटिंग ऐप क्लोनर स्टार्ट हो चुका है और ये भी इजीली क्लोन क्रिएट हो चुका है। अब व्हाट्सएप एडेड टू होम स्क्रीन क्रिएट हो चुका है क्लोन ऐप, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक इंस्टाग्राम भी है, हम चाहें तो इसको भी क्लोन कर सकते हैं, इसको हम क्लिक करेंगे गाइस ये क्रिएट करने के लिए, यहाँ पर इसको ऑन कर देंगे। अब इंस्टाग्राम भी जो हमारा है इजिली क्लोन ऐप में क्रिएट हो जाएगा। तीन एप्लीकेशन हमने क्लोन कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ तीनों एप्लीकेशन, यहाँ से कट करूंगा और चलता हूँ होम स्क्रीन पे। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर फेसबुक की, इवन इंस्टाग्राम की और व्हाट्सएप की, तो तीनों एप्लीकेशन हमारे क्लोन हो चुके हैं। फेसबुक हमारा एक यहाँ पर है, दोनों आपको यहाँ पर फेसबुक दिख जाएगा ऐप क्लोन वाला। नीचे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास इंस्टाग्राम भी दोनों दिख जाएगा, नीचे थोड़ा सा आता हूँ, इंस्टाग्राम एक यहाँ है एक यहाँ, और हम बात करें व्हाट्सएप की, व्हाट्सएप भी यहाँ पर एक यहाँ है और एक यहाँ है। रियलमी और ओप्पो डिवाइस में होता क्या है कि हम डिस्प्ले से क्लोन नहीं कर सकते, इसके लिए हम सेटिंग से ही क्लोन करते हैं, तो आप भी सेटिंग से ही क्लोन करना और डिस्प्ले से हम इसे क्लोन नहीं करते। आई होप गाइस कि आप समझे होंगे ऐप क्लोन का यूज़ कैसे करना है। फिर भी अगर आपके मन में इसके रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन है, आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।